नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करूँगा मात्र 16 रुपये का ये राकेश झुनझुनवाला का पेनी स्टॉक। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है स्टॉक में कि या तो राकेश जी ने 98,000 शेयर बेचे हैं या 98,000 शेयर बाय करे हैं। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना, आंसर मिल जाएगा। और कई बार मैंने इस स्टॉक के बारे में इसी चैनल के माध्यम से अपडेट आपको दिया है कि स्टॉक को नज़रों में रखो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि जब तक स्टॉक को होल्ड करो, जब तक बड़ा व्यक्ति मतलब अगर आप राकेश झुनझुनवाला को देख के पैसा डाल रहे हो, तो जब तक ये अपनी होल्डिंग स्टेबल रखी हुई है तो आप इस स्टॉक को स्टेबल रखो। लेकिन अगर ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ाओ, अगर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं तो आप भी डिक्रीज करो। और साथ में RSI इंडिकेटर की सहायता से स्टॉक को सस्ते में एकुमुलेट करना सीखो, ठीक है। उसका लॉजिक मैंने 101 बार अपने वीडियोस के माध्यम से, मेरे जो संडे वाली प्राइवेट क्लास होती है उसके माध्यम से आपको 200 बार बताया होगा कि कैसे किस स्टॉक को सस्ते में बाय करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा जब भी किसी पेनी स्टॉक में पैसा डालो, या फिर आप लार्ज कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो, मिड कैप में डालो, ये बातें डेफिनेटली फॉलो कर लेना, ठीक है। तो लेके चलता हूँ सीधा स्टॉक के नाम की तरफ और हमारे चार्ट पैटर्न की तरफ। घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधा आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ, मंदाना रिटेल वेंचर लिमिटेड, जिसको NSE में TMRVL बोला जाता है। मात्र 16 रुपये का ये राकेश झुनझुनवाला जी का पेनी स्टॉक है। और लेटेस्ट खबर ये निकल के आती है कि इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग बेची है, मतलब 98,000 शेयर उन्होंने मार्केट में बेच दी है लास्ट क्वार्टर में। लेटेस्ट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील किया गया है TMRPL का, जिसमें राकेश जी ने अपनी होल्डिंग, काफ़ी अच्छी होल्डिंग बेची है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको क्या करके चलना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी अभी होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके करंट फाइनेंशियल से, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग अपनी खुद की रिसर्च ऐड करते हैं, जैसे मैं खुद भी मैं न्यूज़ को तो इन्वॉल्वमेंट करता करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च ऐड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं किसी भी कहने पर कभी भी कोई स्टॉक बाय नहीं करता। मान के चलो अगर SBI ने अगर एक रिसर्च करके बोला है कि हमारा जो आपका रिलायंस है इसका टारगेट 5,000 रुपये का होगा, तो मैं उस रिसर्च में बिलीव तो करूंगा, लेकिन 100% बिलीव नहीं करूंगा उसमें। मैं अपना 101% अपने रिसर्च, अपनी नॉलेज डालूंगा, ताकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। क्योंकि अगर SBI तो कल दोबारा से एक और रिपोर्ट पब्लिश कर देगा और बोल देगा कि हमने इसका टारगेट डाउनग्रेड कर दिया है, तब क्या करोगे? तो तब आप स्टॉक को बेच दोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने अपने रिसर्च के बेसिस पर स्टॉक को बाय नहीं किया है। और आपने बहुत बार देखा भी होगा जैसे रिलायंस का कभी कभी 800 रुपये का टारगेट बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भैया मार्केट चलती रहती है, आती रहेगी जाती रहेगी। आपको स्टेबल होकर अपने रिसर्च में बिलीव करना है, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और आपको पेशेंसली होल्ड करना है और वेट करना है, ठीक है। और वेट किस चीज़ का करना है? टारगेट का, और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी का, मतलब स्टॉक को कहाँ बाय करना है उसका इंतजार करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको ये पता है तो आपकी 99% काम आपका खत्म। फिर आप आराम से तसली से बैठो, मार्केट ऊपर गिरे नीचे गिरे आपको मतलब नहीं है कि आपने स्टॉक को सस्ते में बाई करा हुआ है, समझ आ गया। तो इस लॉजिक के साथ अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली पैसा मल्टीप्लाई भी होगा और रिटर्न भी अच्छी मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात है भाई, कंपनी डेट फ्री है। नीचे लेके चलता हूँ, जून क्वार्टर, सेप्टेम्बर क्वार्टर के कंपनी के अर्निंग्स आ चुके हैं। सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स आप देख सकते हो, 1 करोड़ नेगेटिव का रिटर्न कंपनी ने दिया है। और अगर बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार आपको लॉस दे रही है, ठीक है, लगातार लॉस दे रही है। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व देख सकते हो डाउन हो रहे हैं, मतलब ठीक है, और डेट भी कंपनी रिड्यूस किया है। बाकी अगर बात करते हो कैश फ्लो, तो नेगेटिव कैश फ्लो हमें देखने को मिलता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, तो 33% का प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग में 66% के आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी है उनकी भी होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो यदि। और इन्होंने ऑलमोस्ट 5% के आसपास अपनी होल्डिंग कम करी है स्टॉक में, आप देख सकते हो 5%, मतलब जून और सितंबर के बीच में जब स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था तो इन्होंने अपना माल ऑफलोड किया है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। एज पर द प्रॉफिट्स
हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक का फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी रिसर्च के ऊपर बिलीव करते हो तो आप बैठिए आराम से, लेकिन अगर आपने राकेश जी को देख के पैसा डाला है तो भैया वो तो बेच रहे हैं ना, तो फिर आप ही बेचो ना, सिंपल सी बात है भाई, है ना। का मैंने TMRVL शेयर का मैंने चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, ठीक है, ये डेली चार्ट पैटर्न मैंने खोला हुआ है, ठीक है, और आप देख सकते हो ये मैंने मंथली चार्ट खोल दिया है, ठीक है। और यहाँ स्टॉक में अगर आप देखो तो स्टॉक सपोर्ट लिया था 12 रुपये के आसपास और स्टॉक ने हाई लगाया 25 रुपये का, ठीक है। और ये जो देख सकते हो जून जुलाई पूरा ये तो एरिया था, यहाँ इन्होंने बेचा है माल राकेश जी ने, ठीक है, देख सकते हो यहाँ कहीं इन्होंने ऑफलोड किया है। अब आपको क्या करना चाहिए, स्टॉक को बाय करना चाहिए तो चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, जब हमारे इंडिकेटर बोलेंगे बाय करने के लिए तब बाय करेंगे, ऐसे फालतू में बाय करने का सकता नहीं है कि स्टॉक अभी यहाँ ट्रेड करा बाय कर लो, जब तक आपके इंडिकेटर नहीं बोलते हैं। तो देखो मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो दिस इज आर सपोर्ट एरिया एंड ये हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया है, ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया बन रहा है, देख सकते हो पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये एक एक फनल बन रहा है छोटा सा, और ये फनल एक छोटा सा फनल बन रहा है नीचे की तरफ, हमें बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये जो फनल बन रहा है आप देख सकते हो, ये रहा ये फनल है, ये फनल है एकदम नीचे की तरफ छोटा होता जा रहा है, अब ये छोटा होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब या तो ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा या नीचे की तरफ तोड़ेगा, और जिस प्रकार से न्यूज़ आई है तो पॉसिबिलिटीज है ये नीचे की तरफ तोड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, बड़ी न्यूज़ से छोटी न्यूज़ तोड़ना है। तो अब आपको क्या करके चलना चाहिए, अगर आपके पास स्टॉक है, मेरे पास पर्सनली स्टॉक नहीं है, ठीक है, 12 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो अगर आपके पास स्टॉक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का, ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन कि बाय कहाँ करें, तो बाय करने के लिए देखो ये जो आपको अपर चैनल दिख रहा है इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता है डू नॉट बाय, बाय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस चैनल को रजिस्ट करके नीचे गिर सकता है, रजिस्ट लेके नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो जब तक ये इस चैनल के ऊपर नहीं जाता है बाय मत करना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जिसको ये लॉजिक समझ आएगा उसका पैसा ट्रैप होने से बच जाएगा, जिसको ये लॉजिक समझ नहीं आएगा वो पैसा स्टॉक पर डालता रहेगा और स्टॉक का प्राइस आपका नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि अगर आपके पास स्टॉक है तो ये रिसर्च जो आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया उसको फॉलो कर लेना, और साथ में जो चीज़ें बताई है उसको भी पक्का फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और बात बता दें एक और बात ऐड कर दूँ कि NSE BSE में लगातार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं। अगर NSE की बात करूँ तो BSE की बात करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, पहले हम BSE के दिखाते हैं आपको। तो BSE में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 48,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए, ठीक है, मतलब ट्रेड की गई है, और उसमें 30,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 62% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। बाकी अगर NSE की बात करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 62% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है, ठीक है, 1,22,000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए, मतलब लोग लगातार स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टॉक को घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने इंडिकेटर में बिलीव करना है, जब वो आपको बोले बाय के लिए तो बाय करो, जब नहीं बोले बाय के लिए तो मत करो बाय, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक के साथ जाओ, और साथ में देखो स्टॉप लॉस जो बताया उसको अप्लाई करना। बाकी एक छोटा सा इंडिकेटर है RSI, ये भी आप बहुत हेल्पफुल है अगर आप उसको फॉलो कर दो तरीके से, ठीक है। RSI वैल्यू जो हमें दिख रही है अभी बता रहा है हमें कि हाँ स्टॉक को बाय करके चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दो कभी भी जब RSI बोलता है बाय के लिए तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब इसका देखो 30 में आया था RSI तो यहाँ स्टॉक में फर्स्ट टाइम बाय आया था, तो अगर आप चाहते तो यहाँ आप रिस्क ले सकते थे क्योंकि यहाँ से रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, ठीक है। अगर यहाँ लोगे तो यहाँ पर रिवॉर्ड छोटा सा होगा और रिस्क आपका बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर आपको 1:1 का गेम मिलेगा बस, ठीक है, यहाँ पर आपको 1:3 का मिला, तो ये आपको समझनी पड़ेगी कहाँ आपको रिस्क लेना है कहाँ पर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी मत लो, वेट करो अपॉर्चुनिटी का, जैसे मिलती है आप स्टॉक में देख सकती हो, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।